वेलकम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, आज इस वीडियो में हम लोग क्या करने लगे हैं, हमारा जो फिशर का पेयर है ना, उसमें जो है उन्होंने अभी तक नेस्टिंग स्टार्ट नहीं की, मगर वो मटकी के अंदर जाते हैं। तो आजकल सर्दी आपको पता है, तो रात के टाइम में ठंड होती है ना ज़्यादा, तो उससे क्या होता है, मटकी जो है वो मट्टी की बनी हुई है ना, तो वो ठंडी हो जाती है। उससे जो है फिशर बीमार होने का ख़तरा है और उनको भी सर्दी लगती होगी, ज़ाहिर है वो कंफर्टेबल फील नहीं करते होंगे। बाकी जहाँ तक बात फिंचेस की है, उन्होंने तो घोंसला वगैरह बनाया हुआ है, सारी घास वगैरह, तो उनका ऐसा कोई इशू नहीं है। तो मैं क्या करने लगा हूँ, तो फिशर का जो केज है ना, उसकी सेटिंग थोड़ी अब चेंज होगी। मैं जो मटकियाँ लगी हुई हैं दोनों हटा दूँगा, और मैं फिशर का ब्रीडिंग बॉक्स होता है ना वो लेके आया हूँ, वो भी आपको दिखाता हूँ, तो मैं वो लगाऊँगा उनके अंदर ना। तो हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों ये देखें, मेरे पास ये बॉक्स है जो मैं फिशर के लिए लाया हूँ, सही है, ये देखें ये बॉक्स है। अच्छा, इसमें ना यहाँ पे जो है ऑप्शन दिया हुआ है खोलने के लिए, मैं आपको खोल के भी दिखाता हूँ। ये देखें खुल जाएगा, और ये अंदर से इस तरह से, सही है, यहाँ पे देखें जाली लगी हुई है अंदर की तरफ ना, इससे चढ़ के ऊपर आ सकते हैं आराम से, और यहाँ पे सुराख है। अच्छा, असूलन जो है ना ये बॉक्स जो है केज के बाहर लगता है, मगर ना मैं अंदर की तरफ लगा रहा हूँ। तो अंदर लगाने के लिए जो है, अगर हमें बाहर लगाना होता है ना, तो जाली यूँ कुंडा बना हुआ होता है और वो ना इस तरह इसमें लग जाता है, तो अंदर से जब फिशर वगैरह जो भी बर्ड है आपका जाते हैं, और जो है ना हम बाहर से इनके ये खोल के अंडे बच्चे चेक कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर लॉक दिया हुआ होता है। एक इस तरह लगता है और एक ये इस तरह लगता है, सही है। अब मैंने जो है अंदर लगाना है ना, तो उसके लिए मैंने क्या करा है, यहाँ पे इसके अंदर की तरफ जो है ना, इधर दो सुराख करे हैं, ये देखें। अब मैं क्या करूँगा, एक नीचे सीधी डंडी लगा के इसके ऊपर इसको रखूँगा, और जो इसके सुराख है ना, इनमें से तार डाल के पीछे जाली है ना, उससे मैं टाइट कर दूँगा, तो फिर ये इस तरह अंदर की तरफ लग जाएगा। अभी हम इसको बंद करते हैं, और यहाँ से इसका लॉक जो है इसको भी बंद कर देते हैं। तो ये देखें ये बॉक्स है दोस्तों, ये देखें भाई ये तार का टुकड़ा है, मैं जो है ना अब इसके अंदर ये लगाऊंगा। तो पहले हम इसको लगाते हैं ताकि आराम से जो है ना ये लग सके। शरीफ में अंदर की तरफ डालता हूँ, ये देखें ये इस तरफ से आ गया तार बाहर। तरह जो दूसरा वाला तार है ना, उसको भी जो है हम यहाँ पे लगाते हैं अंदर की तरफ से। ये देखें दूसरा वाला तार जो है ये भी आ गया। अब मैं इसको अंदर की तरफ से ना सही से टाइट कर देता हूँ। इस तरह से मैं दिखाता हूँ अंदर की तरफ से, देखिए अंदर से मैंने इसको इस तरह लगा दिए, और बाहर से अब हमारे पास दो तार आ गए, इसको अब हम बंद कर देते हैं। आ गया, और यहाँ से ये आ गया हमारे पास। तो अब हम चलते हैं फिशर के केज में, और जो उनकी मटकियाँ हैं वो हटाते हैं और इसको लगाते हैं। तो दोस्तों देखें, फाइनली मैंने जो है इनमें बॉक्स लगा दिए, और इसमें देखें बॉक्स के नीचे एक सपोर्ट के लिए मैंने डंडी लगा दी है, और देखें सुराख के आगे जो है एक डंडी लगा दी है, ताकि उस पर ईजिली बैठ के अंदर चले जाएँ। और अब जो है ना इससे ये कि जब रात में जो ठंड भी होगी ना, तो बल्कि बॉक्स के अंदर उल्टा गर्मी हो जाएगी, और जब गर्मी होंगी ना तो ठंडक रहेगी अंदर, वो जो मटकी होती है ना वो रात में ठंडी हो जाती है, तो फिर उससे ना इनका बीमारों का ख़तरा होता है। तो मैंने बॉक्स लगा दिया है, देखें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।